नमस्कार मेरे व्यूवर्स का आज फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 6 में स्वागत है। दरअसल मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने यह रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं और उसके अंदर मैं ये बताऊं कि ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन चेन के अंदर कैसे नोटिस किया जाता है और जब ये इसके अंदर चेंज हो रहा होता है तो इसके द्वारा हम किस प्रकार से जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो निफ्टी की ऑप्शन चेन है उसके अंदर कैसे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है आदि। दूसरा, ये वीडियो मेरे मेंबर्स के लिए भी है जो जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है 119 रुपीज़ पर मंथ देकर के। तो उसके अंदर मैं जब एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स देता हूं तो मैं अक्सर उन्हें यह भी बताता हूं कि अगले दिन ट्रेडिंग के समय आपको कहां क्या करना है, कि निफ्टी कहां तक गिर सकता है, कहां तक ऊपर उठ सकता है और एक्सपायरी के दिन और बाकी दिनों में उन्हें किस प्रकार से ट्रेडिंग का ध्यान रखना है और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखना है। तो वो लोग भी कृपया इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। तो जो मेरी डेली एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स है और उसके बाद इस वीडियो को देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकेंगे कि कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें एग्जिट करना है। हालांकि एंट्री के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऑप्शन चेन देखी कैसे जाती है। छोटी सी पार्ट है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये ऑप्शन चेन किस प्रकार से देखी जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अब देखिए, सबसे पहले आप NSE इंडिया टाइप करें गूगल में। उसके बाद जब आप NSE इंडिया को टाइप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से NSE इंडिया की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ये जो डेरिवेटिव्स लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है और डेरिवेटिव्स क्लिक करने के बाद नीचे जहाँ पे निफ्टी दिया है वहाँ पे क्लिक करना है। ये एक सिंपल तरीका है। वो क्लिक करने के बाद जो है, ये अब जो NSE की जो नई वेबसाइट है बिल्कुल ही घटिया किस्म की डिज़ाइन कर रखी इन लोगों ने, वहाँ पर ऑप्शन चेन लिखा आएगा। आप उस ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दीजिए। तो वहाँ पर ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको ये इस प्रकार से ऑप्शन की जो चेन है वो आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे अभी क्या हुआ था कि आज जैसे एक्सपायरी की वेबसाइट थी, अगले हफ्ते की मुझे देखनी थी, तो मैंने वहाँ पे डेट चेंज करके ये जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखी हुई है। तो चलिए अब हम अपना यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन चेन आपके सामने खोल रखी है। यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि निफ्टी जो है 14,696 पे बंद हुआ है, 14,696 पे निफ्टी बंद हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने दो चीज़ें आ रही हैं। इस साइड पे पुट के रेट आ रहे हैं और ये जो सामने की साइड है ये आपके सामने कॉल के रेट आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा दिया हुआ है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, ये दरअसल ये बताता है कि आप निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस, मतलब किस स्ट्राइक प्राइस के लिए आप यहाँ पर कॉल या पुट खरीद रहे हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि निफ्टी 14,500 तक गिर सकता है इस एक्सपायरी पे, तो आप क्या करेंगे, 14,500 की पुट खरीदेंगे। उसका रेट जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ये 79 रुपीज़ का उसका रेट आ रहा है। ये यहाँ पर आपको जो है ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पे LTP करके आता है। तो ये LTP के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उस समय पुट का प्राइस क्या चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो कॉल के जो रेट है वो कॉल का LTP आपको इस डायरेक्शन में दिख जाएगा, ये कॉल का है और ये पुट का है। अब इसके अंदर आगे कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जो लोग जानते हैं वो लोग थोड़ा बने रहे, मैं उनको आगे इस चीज़ को समझा रहा हूँ। बेसिकली
लेकिन जब ये वीडियो बनाया है तो लगभग सबके लिए बना दिया जाए। अब पहली बात तो ये कि अक्सर जब भी आप ये ऑप्शन चेन खोलेंगे तो इसके अंदर जो रेट होंगे वो रेट आपके अलग होंगे, जो आपने जो रेट आपके एप्लीकेशन में चल रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है जब भी आप ये ऑप्शन चेन खोलते हैं, तो ये जो डेटा होता है ये करीब करीब हर 3 मिनट के बाद यहाँ पर ये डेटा रिफ्रेश होता है। तो 3 मिनट्स इतना समय जो है इसको लगता है। अभी ये इन्होंने नई वेबसाइट बनाई है, पहले की वेबसाइट बहुत ही अच्छी थी और अब जब से ये जो नई NSC ने वेबसाइट डाली है ये तो बहुत ही वाहियात है। इसमें कई बार तो डेटा भी ढंग से रिफ्रेश नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है कि ये जो डेटा है यहाँ पे अक्सर NSC जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ये बताया जाता है कि उस समय निफ्टी कितने पे था जब ये ऑप्शन चेन बनाई गई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। अक्सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 15-15 मिनट तक ये डेटा रिफ्रेश नहीं होता, और ऐसा ना हो कि आप लोग लॉसेस में आ जाए। तो चलिए अब हम आगे इस ऑप्शन चेन को और ज़्यादा समझते हैं कि ऑप्शन चेन आगे क्या है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने स्ट्राइक प्राइस देखी, अब हमने देखा है कि निफ्टी इस समय 14,696 पे बंद हुआ है। तो 14,700 के नीचे की जितनी भी कॉल्स होंगी, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं 14,700 से नीचे की जितनी भी कॉल्स हैं ये सारी आप देख रहे हैं एक अलग से शेड के अंदर। ये है इनका, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक अलग से शेड है, ये कलर है। ये इसलिए है कि इनको इन द मनी कॉल्स कहा जाता है, इनको कहते हैं हम इन द मनी कॉल्स, ठीक है। और अब जैसे 14,696 पे निफ्टी है और अब 14,800 जो है वो दूर है, 14,900 और ज़्यादा दूर है। अब मान लीजिए किसी को लगता है कि एक्सपायरी पे जो अभी थर्सडे की एक्सपायरी है उस समय निफ्टी 14,900 पर चले जाएगा, तो वो ये 62 रुपीस की कॉल खरीदेगा। इन कॉल्स को बोला जाता है आउट ऑफ द मनी कॉल्स, ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, ठीक है। तो OTM आउट ऑफ द मनी और ये इन द मनी। अच्छा, एक चीज़ ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये जानना एक ज़रूरी है कि जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको अपने सौदे काटने जरूरी है। नहीं काटते तो क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं 2 मिनट में, हालांकि उसका टेस्ट पॉइंट है वो मैं अलग से लूँगा। अब जैसे ऐसे ही पुट की अगर आप बात देख लें तो इस समय निफ्टी 14,696 पे है, तो 14,500 तक अभी गिरा नहीं है। अब किसी को मान लीजिए 14,000 उसको लगता है कि निफ्टी 14,500 तक गिर सकता है, तो वो इस 14,500 की ये जो पुट है 79 रुपीस की, वो ये पुट खरीदेगा। और ये चूंकि अभी निफ्टी या गिराने दूर है, इसको इनको बोला जाता है आउट ऑफ द मनी पुट्स। ये वाली जो पुट होती है जो वाइट कलर की जो शेड है, इसको पूरे को बोला जाता है आउट ऑफ द मनी पुट्स। और चूंकि निफ्टी के ऊपर की जो पुट है 15,000 ये वाली, इनको बोला जाता है इन द मनी पुट्स। अब ये जानना क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपने कोई कॉल खरीदी और एक्सपायरी के समय आपने उस कॉल को बेचा नहीं, फिर क्या होता है कि वो कॉल इन द मनी एक्सपायर होती है। मतलब अगर जैसे ये 14,500 की कॉल है, मान लीजिए ये जो निफ्टी है 14,696 पे बंद हुआ है, ठीक है, और ये 14,600 की कॉल है, ये अभी एक्सपायरी का तो नहीं है, एक्सपायरी के जो है वो मैं अलग से बताऊं दूंगा, लेकिन एक जस्ट समझाने के लिए, तो अगर किसी ने 14,500 की कॉल ले रखी है और ये निफ्टी 14,696 पे बंद हो गया, तो उस समय जो भी 14,500 की कॉल का रेट चल रहा होगा, मान लीजिए 272 रुपये, तो उसको 272 रुपये के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी।
लेकिन इसके ऊपर अगर उसने कॉल खरीद रखी है और उसके पास इन द मनी कॉल पड़ी हुई है जो उसने बेची नहीं है और वो एक्सपायर होती है, तो उसको उतना पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके ऊपर उसको 1% का टैक्स लग जाता है। और ये टैक्स वाला पार्ट ऐसा भयंकर है, इसको मेरे को एक अलग इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक नए कानून कुछ आ चुके हैं जिसके अंदर कि मतलब ये आपके ब्रोकर पे डिपेंड है। अगर वो पास की 3 फुट या कॉल है तो ब्रोकर पे डिपेंड है कि अगर टैक्स अमाउंट ज्यादा हो रहा है क्या है, क्योंकि ये 1% टैक्स जो है ना, ये आप ये ना समझे कि आपको जितना पैसा मिल रहा है उस पे है, ये 14,696 गुणी 1050, या जितना आपके पास कॉल है, 1050 कॉल है अगर आपने इतने लॉट आपने खरीद रखे हैं, ठीक है, और जो उस समय निफ्टी का रेट था ना उसके हिसाब से ये कॉल का उस रेट तय होता है, अमाउंट तय होता है, और फिर उस पे 1% लग जाता है, आपकी हालत खराब हो जाएगी, इसको भरते भरते लाखों का टैक्स लग जाएगा। ये मेरे को एक अलग से पार्ट में समझाना पड़ेगा, यहाँ खाली एक अंदाजे के लिए है। मतलब अगर आप चाहें तो इसके बारे में प्रॉपर जाकर के नियम पढ़ ले, अभी ये पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये इसलिए इस चीज को समझ के चलें, तो ये वाला पार्ट था। अब हम आगे इसको फिर से समझते हैं, थोड़ा सा वापस अपने वीडियो पे आ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे कॉल की साइड पे ये आपको दिख रहा है बड़ा सा ओ आई लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ये यहाँ पे कॉल की साइड पे है और ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। ये जो कॉल के नीचे की सारी ये जो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, ये कॉल की वैल्यूज आ रही है, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। ऐसे ही ये जो है ये वैल्यू आ रही है, ये पूरा पुट का ओपन इंटरेस्ट है। इसको यूं समझेंगे कि 14,800 की पुट का ओपन इंटरेस्ट 10,235 कॉन्ट्रैक्ट्स था। ऐसे ही अगर हम देखें तो 14,700 की जो कॉल है उसका ओपन इंटरेस्ट है 14,900 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट एक लॉट के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर आपको ओपन इंटरेस्ट निकालना है तो इसको शेयर्स में निकालना है तो इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो पहली बात तो ये इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लें। अब ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक काम करें, मेरा ओपन इंटरेस्ट का वीडियो है उसको सर्च कर लीजिए, राजीव धर्माधिकारी ओपन इंटरेस्ट लिख के डाल दीजिए, या मेरे चैनल के ऊपर आप जा करके ओपन इंटरेस्ट का जो वीडियो है सबसे करीब 3-4 साल पहले डाला था उसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट, व्हाट इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ये जो ओपन इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसी के द्वारा जजमेंट लेना है कि निफ्टी में क्या चल रहा है और क्या आगे होगा, यह मैं यहीं पे और बताने जा रहा हूँ आपको आगे। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट कॉलम के साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लिखा है, ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसको हम कहेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये यहाँ पे ये जो पूरी लाइन आ रही है ये जो लाइन है ये कॉल की है, ऐसे ही पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो पूरा दिख रहा है ये पुट का है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए ये पुट का ये वाला पार्ट है और कॉल के लिए ये वाला हिस्सा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या मायने होते हैं, ये मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। लेकिन जब भी अब जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए कोई कॉल खरीदना चाहते हैं, कोई पुट खरीदना चाहते हैं, तो कैसे डिसीजन लिया जाए कि हमें कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है, तो इसको मैं आप थोड़ा सा आगे आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है बेसिकली कि
आपको यहाँ पे ये जो OI और चेंज इन OI है, ये दोनों पार्ट्स को इनको आपको ध्यान देना है पुट और कॉल के लिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट पोजीशन बन रही है, बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा। अब इसको वैसे मैंने इसके लिए चार वीडियो बना रखे हैं जो कि मेरे शुरुआत के मतलब आज से 3-4 साल पहले मैंने बनाए थे, मेरे सबसे शुरू के वीडियोस हैं। तो जैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे और वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे के जो है वो वीडियो आएंगे 100-101 वीडियोस से पहले के, तो उनमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे जो नहीं देख पाएंगे उनको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, एक बार ज़रूर देख फिर भी लीजिएगा। अब जैसे क्या है कि आप मान लीजिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं या आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार में क्या करूं, तो यहाँ पे आप ये देखें कि निफ्टी उस समय कितना चल रहा है, जैसे अभी 14,696 पे, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करें 5-5 मिनट बाद, और आपको अब ये देखना है कि उन 5 मिनट के अंदर ये OI ओपन इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा और ये वाली लाइन कॉल की और ऐसे ही पुट की, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये ओपन इंटरेस्ट, ये जो दो लाइनें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा जो पार्ट है, ये जो डेटा है, आपको इसको देखना है कि ये जो डेटा है क्या ये चेंज हो रहा है क्या। अब इसमें आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इस पे हम आ जाते हैं। देखिए पहले सबसे पहली बात, अगर आपको कोई मैथमेटिकली बात भी समझ में नहीं रही, आप ये देखिए कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कॉल की बात की जाए, अब यहाँ पे इस समय ये 19,425 है, 14,900 है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, टेक्निकली मैं इतना साउंड नहीं हूँ इसलिए वैसे बता रहा हूँ। अब जैसे आपने 14,900 का यहाँ पे आपने देखा ओपन इंटरेस्ट है, 14,700 की कॉल की बात की जाए, इसका ओपन इंटरेस्ट 14,900 है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 10,667। अब आपको मान लीजिए आपने 5 मिनट बाद रिफ्रेश किया, 5 मिनट बाद रिफ्रेश करने के बाद ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये बढ़ के हो जाता है 15,100, 900 से 200 पॉइंट बढ़ गया, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 मान लीजिए 890 ऐसा कुछ भी, एक हम अंदाजे से मान लेते हैं 10,000 मतलब 867 ऐसे आएगा कुछ, ये ऐसे चेंज आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको ये यहाँ पे चेंज बढ़ता हुआ दिखाई दे तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो प्राइस है, जैसे ये 147 था, क्या ये गिर गया। अगर ये 137 हो गया, 139 हो गया, 143 के आसपास जा रहा है, मतलब इसकी कीमत यहाँ पे गिर रही है। अक्सर 90% जो है ना, जब आप इसको देखेंगे तो 90% समय यही होगा कि अगर यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी ये जो वैल्यूज है ये बढ़ रही है, ये प्लस हो रही है, दोनों वैल्यू प्लस हो रही है, तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएंगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो LTP लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऊपर ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये वाली पार्ट इसमें आप देखेंगे वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, 14,700 की कॉल अगर इसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी इसका घट रहा है, ठीक है, तो फिर अब एकदम मत निर्णय ले, आपको ये सारी चीजों में देखना है कि क्या ये थ्रू आउट ऐसा हो रहा है, क्या 14,800 की कॉल में भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है क्या। अब उसका अब जैसे यहाँ पे ये चीज चल रही है तो अब आप यहाँ पे फिर आपको पुट देखिए, 14,700 की पुट को देखिए। अब जैसे मान लीजिए 14,212 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और 8,200 का यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और कायदे से अगर ये वाला ओपन इंटरेस्ट जो है, जो अभी 14,212 है, ये कम हो जाता है, ये हो जाता है 14,100, ये जो संख्या है 8,200 की, ये हो जाती है 7,000
सॉरी 8,100, 100-100 पॉइंट यहाँ से दोनों से कम हो गए भाई। यहाँ से वहां पे मैंने कैलकुलेशन में मतलब ये समझ लेना कि यहाँ यहाँ दोनों एक साथ ही कम होंगे। अब मान लिए 100-100 पॉइंट यहाँ से कम हो गए यहाँ, और इसका उसके बाद आप और अगर देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है 151 वाला जो है, ये जो सॉरी इसका जो LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस वाला यहाँ पे पार्ट आ रहा है, जो 151 से बढ़ के 156 हो गया है, मतलब कीमत बढ़ रही है यहाँ पे। अब पुट की कीमत बढ़ रही है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, वही कॉल की जो है वो कीमत कम हो रही है, कॉल के रेट कम हो रहे हैं, उसका ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी मार्केट जो है वो नीचे गिर सकता है, जो निफ्टी है वो नीचे गिर सकता है। इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना, जिन लोगों को अभी मैं वैसे पूरा और टेक्निकली समझा रहा हूं ढंग से, लेकिन एक शुरुआती तौर पे, क्योंकि मैं अभी टेक्निकली समझा दूंगा कि भाई ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, आधे से आधा लोग वीडियो समझ नहीं पाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि आप लोग जो है मेरे से नहीं लड़ रहे हैं, आपस में नहीं लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई जो है वो मशीनों के साथ में है, मशीनों के साथ में है। तो ये बिल्कुल वो मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो वो वाली भाषा यूज कर रहा हूँ, बेसिकली आप लोग सॉफ्टवेयर के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 80-90% ट्रेड सॉफ्टवेयर के द्वारा होते हैं, है ना। और आप लोग जो है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, बेचारे रिटेल के ट्रेडर्स अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, अपने दिमाग से आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आपको एक चीज देखनी है, एक चीज अच्छे, सबसे पहला और सबसे सिंपल सा चीज ये देखना है, मैंने इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्यों बताया। जैसे आप ट्रेड लगा रहे हैं ना, तो आप ये देखो कि इन द मनी जो पुट है, अगर पुट की बात की जाए, तो ये जो शेडेड एरिया है, ग्रे एरिया जो है, या जो आपके इसमें जैसे भी लाल कलर में, ऑरेंज कलर में, ये जो इन द मनी पुट देख रही है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या जो दूर की है, मतलब अभी यहाँ से 200-300 पॉइंट की दूर की जो पुटे हैं, उनके आगे माइनस माइनस माइनस, मतलब वो निगेटिव होते जा रही है क्या, उनकी संख्या कम हो रही है क्या, या उनकी संख्या कम हो रही होगी ओपन इंटरेस्ट माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये ओपन इंटरेस्ट माइनस में ये कम होना है, माइनस का मतलब ये 5,806 है, ये 3,222 है। अब मान लीजिए ये 2,000 रह जाता है, 5,806 ये 4,000 रह जाता है ना, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको माइनस में दिखने लग जाएगा। और अगर यहाँ पे जो है खास करके जो पास की जो कॉल्स हैं, उस समय जैसे जो भी निफ्टी का रेट चल रहा है, ये बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है, ये ओपन इंटरेस्ट एकदम बढ़ते जा रहा है तेजी से, मतलब समझ लो कि बाजार नीचे गिरेगा, मोटा मोटा स्टॉक मार्केट नीचे जा सकता है। अच्छा, अब हम कॉल की बात कर लेते हैं, कब ऊपर जा सकता है। मान लीजिए आपने यहां देखा कि कॉल के जो इन द मनी कॉल्स हैं, उसके अंदर यहां नेगेटिव संख्या आ रही है, और ये ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे, ये वाला ओपन इंटरेस्ट पार्ट कम हो रहा है, ये संख्या माइनस में आ रही है सारी बुरी तरीके से, यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट पार्ट कम हो रहा है, और यहाँ पुटो का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पास वाली पुटो का, जो थोड़ी सी 100-150 पॉइंट की दूर की जो पुट है, उनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्लस में, मतलब समझ लीजिए निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे और हम बात करते हैं एक्सपायरी के दिन की बात, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि 10 रुपए का 1 रुपया और 1 रुपए का 10 रुपया होता है एक्सपायरी, मतलब मैं आगे समझाने जा रहा हूं, और अभी अभी मतलब ये जो टॉपिक जस्ट चल रहा है, अभी मेरे को आपको और डिटेल में समझाना है लॉन्ग अनवाइंडिंग वगैरह, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा गणित में या देखने में ईजी नहीं होता, तो ये है। अब यहाँ एक्सपायरी के दिन जो है ना, आपको ये देखना है, ये पास की जो कॉल्स, इनका ओपन इंटरेस्ट और इनका, मान लीजिए ये हो गया यहाँ पे 14,800 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया 50,000, यहाँ पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये 14,000 है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपायरी के समय ये हो रहा है 50,000,
मतलब भाई साहब ये बहुत 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 मुश्किल है कि निफ्टी 14,800 के पार निकल जाए। 14,700 की पुट का ओपन इंटरेस्ट आप देख लें, ये आ रहा है मान लो 70,000। तो इसको तोड़ के नीचे जाना निफ्टी का बहुत बहुत, बहुत ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि निफ्टी जो है वो इसको तोड़ करके नीचे निकल जाए। अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कि कैसे पता चले कि आगे निफ्टी की डायरेक्शन क्या हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये जो प्राइस है, इन तीनों चीज़ों पे देखना है, कॉल के लिए और पुट के लिए भी। ठीक है, तो कॉल का इस प्रकार से यहाँ पे होता है। अब इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए आपने रिफ्रेश किया और 5-5 मिनट के 2-3-5 अंतराल पे आप रिफ्रेश कर रहे हैं और आप ये देखते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है, ये जो प्राइस यहाँ पे, ये जो LTP, ये जो लास्ट एडिट प्राइस जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला LTP, अगर ये इसके रेट कम हो रहे हैं। अब हम जैसे मान लीजिए कॉल की बात करें, तो कॉल के अगर यहाँ पे रेट गिर रहे हैं पूरे और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि ओपन इंटरेस्ट कम होता है एक्सपायरी पे, देखिए, लेकिन एक चीज और देखनी है कि क्या अब जब ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और अगर इसके रेट गिर रहे हैं कॉलों के, तो इसका मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, उस केस में भी बाजार ऊपर जाना मुश्किल होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। सेम चीज पुटों के लिए भी लागू होती है कि पुटों का अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और पुटों के रेट गिर रहे हैं, उस केस में बाजार में पुटों में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और फिर उस केस में बाजार जो है नीचे गिरना ज्यादा संभव नहीं है, बाजार नीचे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग की। मान लीजिए कि कीमत बढ़ रही है, ये प्राइस बढ़ रहा है और ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये हिस्से कम हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ऐसा अगर कॉलों में दिखता है, इसका मतलब यह है शॉर्ट कवरिंग हो रही है कॉलों में, यानी निफ्टी ऊपर की ओर जाने की ज्यादा संभावनाएं है। सेम चीज अगर आपको पुटों के अंदर ओपन इंटरेस्ट होता कम नजर आ रहा है, ठीक है, और ये जो प्राइस है ये बढ़ रही है, प्राइस प्लस में हो रही है, ओपन इंटरेस्ट माइनस में जा रहा है, तो फिर पुटों में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बाजार ऊपर जाना मुश्किल है, उस केस में निफ्टी नीचे गिरने के ज्यादा चांसेस है। तो ये दो चीजें अभी मैंने आपको बता दी, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि कब इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनती है। ठीक है, यानी शॉर्ट कब लगते हैं, और यही एक चीज है जो आपको सबसे ज्यादा इसके अंदर यहां पर दिखेगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ ले कि शॉर्ट पोजीशन कब बनती है। अगर आपको ये दिख रहा है कि यहां पे कॉल के अंदर रेट कम हो रहे हैं, ठीक है, कॉल के रेट कम हो रहे हैं और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये हिस्सा बढ़ रहा है और ये रेट जो है ये कम हो रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कॉलों के अंदर शॉर्ट पोजीशन बन रही है और अब जो है ये बाजार नीचे की ओर ज्यादा गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। सेम चीज पुटों की बात की जाए, अगर पुटों का रेट कम हो रहे हैं माइनस, यानी रेट कम हो रहे हैं और पुटों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मतलब ये प्लस में आ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो फिर उस केस में क्या होगा, पुटों में शॉर्ट पोजीशन
बन रही है, निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे नहीं गिरेगा। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा आपको निफ्टी में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको कॉलों में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे, ये 14,000 से ये सारा जो पूरा हिस्सा है ये प्लस में जाता दिखाई दे, और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कॉलों के रेट कम हो रहे हैं, यानी निफ्टी के अंदर कॉल में शॉर्ट पोजीशन बन रही है। सेम चीज़ अगर पुटों में ओपन इंटरेस्ट वाला हिस्सा बढ़ रहा है, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और रेट कम हो रहे हैं, यानी पुटों में उस समय शॉर्ट पोजीशन लग रही है। अगर कॉलों में शॉर्ट पोजीशन लगती है तो इसका मतलब ये है कि कॉल के रेट अब ऊपर नहीं जाएंगे, बाजार नीचे गिरेगा। अगर पुटों में शॉर्ट पोजीशन लगती है इसका मतलब ये है कि अब पुटों में जो है वो रेट नहीं बढ़ेंगे, बाजार ऊपर जाएगा। आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ चुके हैं। अब लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं कि लॉन्ग पोजीशन कब लगती है, वो थोड़ा देखना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये पूरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट भी प्लस में है और ये जो प्राइस है वो दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, उस केस में हम ये कह सकते हैं कॉलों में लॉन्ग पोजिशन बन रही है और निफ्टी ऊपर जा सकता है। ठीक है, सेम चीज पुटों के लिए लागू हो जाएगी। अगर पुटों के रेट बढ़ रहे हैं और पुटों का ये जो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये दोनों ही बढ़ रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि पुटों में लॉन्ग पोजीशन बन रही है और बाजार जो है अब नीचे की ओर गिर सकता है। हालांकि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देख करके काम करें। और हाँ, एक और चीज़ है, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये मेरे चैनल की मेंबरशिप है, 119 रुपए की आती है। आप लोग चाहें तो 119 रुपया पर मंथ दे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डेली एंड ऑफ द डे रिपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को, कि आज निफ्टी में FII/DII ने कितनी ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग करी है, उसका थोड़ा सा डेटा होता है। दूसरा, ऑप्शन चेन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन लगी क्या लगी, और फिर एक हमारा अंदाज़ा होता है। तो 119 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसका ज्वाइनिंग का मैं बताता हूँ कि जैसे इसको ज्वाइन करने के लिए क्या है कि आपको कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी होती है, और ये पेमेंट पूरी की पूरी यूट्यूब को जाती है। वो उसमें से मेरे को जो है 60-70% मेरे को पेमेंट करते हैं 1-2 महीने के बाद। तो ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मतलब, और ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक सेफ्टी रहती है। मैं किसी से डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेता हूँ। यूट्यूब भले ही मेरे से 30-40% जो भी वो पेमेंट काटते हैं, चार्जेस अपने जेन्युइन है तो ठीक है, लेकिन एक सेफ चीज़ है क्योंकि ये गूगल का पेमेंट गेटवे है, तो कोई डर वाली बात भी नहीं है। हाँ, आपका कार्ड जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। कई लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में जाएं और ऑनलाइन बैंकिंग में जाकर के अपने कार्ड को इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इनेबल कर लें, या कस्टमर सर्विस पे बात करके आप अपने कार्ड को इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए इनेबल कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मतलब आप जब चाहे इस पे मेंबरशिप से निकल सकते हैं। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई कारण से आप मेंबरशिप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो इसके अंदर ऑप्शन रहता है। आप गूगल के, आप अपने यूट्यूब सेटिंग में जा करके, यहाँ मेंबरशिप वाले पार्ट में जाकर के आप कह सकते हैं कि मेरे को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो इसमें ऐसा कोई वो डर वाली बात नहीं, आप सोचे कि मेरा कार्ड से हर महीने कटते रहेंगे पेमेंट, ऐसा भी कुछ नहीं। और गेटवे भी सबसे सेफ है, ये आप गूगल के थ्रू ही पेमेंट कर रहे, प्रॉपर यूट्यूब को कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, मैं किसी से डायरेक्ट पेमेंट लूंगा नहीं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि इतना माहौल ख़राब है कि आप नहीं जानते कि आप जिस आदमी से डील कर रहे हैं वो कैसा है। हालांकि मेरे 100 में से 99 मेंबर्स मेरे सब अच्छे ही हैं और मेरा भला चाहते हैं, मुझे दुआ देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैंने ये ऑप्शन ट्रेडिंग के जो है इस पार्ट पे डाल दिया है। और हाँ, एक और छोटी सी बात है, क्योंकि अब आपने इतनी देर सुना है तो छोटा बात और सुन लीजिए। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारे मेंबरों से, मैं अब 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए ना गणित के वीडियो डालने वाला हूँ,
और खास करके उन के लिए, मतलब जो कि बेचारे कोचिंग क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और ये ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके पास वाकई में पैसे नहीं होते। इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर भी अफोर्ड कर लेते, उनके लिए भी डाल दूंगा, लेकिन फिर भी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। तो कई बार हो सकता है आपने खोला देखा, एक क्यूरोसिटी होती है भाई क्या पढ़ा रहे हैं, 2-4 मिनट 30 सेकंड देखा, बंद कर दिया। अब वो मेरा 1 मिनट का वीडियो है, आप उसको 30 सेकंड में देख करके बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि मेरे वीडियो का गूगल को लगेगा कि अरे यार इस वीडियो में कोई जान नहीं है, ये तो 30 सेकंड में आदमी देख के बंद कर रहा है, वो सर्च रिजल्ट में आएगा नहीं। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है साहब कि या तो आप ऐसे वीडियो खोल के ना देखें, और खोल के देखते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उसको 5-10 मिनट चलने देना कम से कम। एक रिक्वेस्ट है, जेन्युइन रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या है कि जो बच्चे हैं उनको मेरा वीडियो पहुंचने चाहिए। मैं दिल से बनाऊंगा, उनके लिए अच्छे बनाऊंगा, और ऐसे ऐसे लोगों के वीडियो मैं देख रहा हूँ कि वाहियात किस्म के, मतलब गणित नहीं आता, कुछ नहीं आता, और वो बेचारे बच्चों को मूर्ख बनाते रहते हैं। तो चीटिंग करना सिखाते हैं, क्वेश्चन पेपर हम बता देंगे, फलाना कर देंगे, ये ऐसा प्रश्न पत्र आता था बोर्ड का, ये वो, अरे तो वो, मतलब ऐसे लोगों के वीडियो टॉप पे चल रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है। तो थोड़ा सा इसमें आप कोऑपरेट करें, ठीक है ना? कोरोना का समय है, ईश्वर की मतलब जो है, बस हम सब पे जो कृपा बनी रहे, तो एक अच्छा काम है, योगदान कीजिएगा, धन्यवाद। और हाँ, मैं जल्दी ही, मतलब मैं गणित की वीडियो शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे वीडियोस बंद कर दूंगा, वो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, बीच बीच में देखते रहिएगा। मतलब जैसे है, मैं अभी एक आध और डाल दूंगा, कब एंट्री करना है उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है? बाकी सब ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।